यूपी विधानसभा का सियासी पारा उफान पर। अखिलेश यादव के खिलाफ बसपा ने दिया मजबूत प्रत्याशी। करहल में होगा बसपा सपा का तगड़ा मुकाबला। मायावती की रणनीति के आगे होंगे अखिलेश पस्त। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा से अखिलेश यादव के खिलाफ बसपा ने कुलदीप नारायण उर्फ दीपक पेंटर को मैदान में उतारा है। कुलदीप नारायण उर्फ दीपक पेंटर का जन्म 15 अक्टूबर 1983 को जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर में हुआ था। इनके पिता कृष्ण प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, वही माँ किशन देवी एक गृहिणी है। कुलदीप नारायण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेवर में एक सरकारी स्कूल में की। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई बेवर के कपिल मुनि डिग्री कॉलेज से की है। कुलदीप महज 15 साल की उम्र से राजनीति की सीढ़ी चढ़ने लगे। उन्हें बहुजन समाज पार्टी के रैलियों में जाना, सभाएं अटेंड करना अच्छा लगता था, लेकिन वे राजनीति में उस समय सक्रिय हो गए जब उनके बड़े भाई मनोज पेंटर की उत्तराखंड में बसपा सुप्रीमो के एक कार्यक्रम के दौरान एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। कुलदीप के बड़े भाई मनोज पेंटर उत्तराखंड के बसपा के प्रभारी थे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी क्या टक्कर दे पाएगा अखिलेश यादव को। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।